यूक्रेन के शहर लवीव में मौजूद हूँ, जो पोलैंड बॉर्डर से कुछ किलोमीटर के फासले पर है। इस शहर पर भी पिछले कई दिनों से रूसी मिसाइलें दागी जा रही हैं। मैंने इस शहर में कई लोगों से बात की और वो शिद्दत से इस बात को महसूस कर रहे हैं कि कैसे रूस की मिसाइलों का खौफ अब उनकी जिंदगी का भी हिस्सा बन गया है। यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर ही पोलैंड बॉर्डर है। अगर रूस की तरफ से चलाई गई मिसाइल पोलैंड बॉर्डर तक पहुंच जाती है या बॉर्डर पार करती है तो क्या हो सकता है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो मिसाइलें दागी गई रूस की तरफ से, ये अमेरिका और नाटो को संदेश देने के लिए थी। लेकिन अगर ये पोलैंड की धरती तक पहुंचती तो क्या हो सकता था या क्या हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह 34 दिन से रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। खार्किव खार, कीव पर का है, मारियोपोल मटिया में, लप्टो में लवीव, चलता ओडेसा, धमाकों से डरता डोनेस्क, सिसकती सुमी और पल पल तबाह होता यूक्रेन। चौतीस दिन की जंग में एक मुल्क का हर शहर खंडहर है। रूस लगातार बारूद बरसा रहा है तो दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की अमेरिका से गुहार लगा रहे हैं कि एटम बम गिरने का इंतजार ही करोगे। फुल स्केल वॉर शुरू हो चुका है, इसलिए रूस के खिलाफ एकजुट होना ही होगा। रूस केमिकल वेपन से हमले की तैयारी में है। अगर ऐसा होता है तो क्या तब भी यूक्रेन की बर्बादी का तमाशा देखा जाएगा? अमेरिका और नाटो के कंधे पर सवार होकर पहले पुतिन से पंगा ले लिया, कुछ दिन तक ताव भी दिखाया, लेकिन जब पुतिन ने किसी की नहीं सुनी तो ज़ेलेंस्की को एहसास हो गया कि पश्चिम वालों ने पड़ोस के झगड़े में धोखा दे दिया है। इसलिए अब ज़ेलेंस्की गुहार लगा रहे हैं, हर रोज लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन को चिढ़ाने में कोई कसर भी नहीं छोड़ रहे हैं। बातचीत से पहले ज़ेलेंस्की ने प्रेसिडेंट पुतिन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में ज़ेलेंस्की ने पुतिन के सामने बातचीत की कई शर्तें रख दी। चिट्ठी पढ़ते ही पुतिन ने गुस्से में ज़ेलेंस्की को बर्बाद करने की धमकी दी। ज़ेलेंस्की की चिट्ठी लेकर रूस के अरबपति कारोबारी रोमन अब्रामोविच पुतिन के पास पहुंचे थे, जिसे पढ़ने के बाद भड़कते हुए पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन को बर्बाद कर दूंगा, और यही वो कर भी रहे हैं। महीने भर से बारूद बरसा रही फौज ने यूक्रेन को नस्तनाबूद करने के लिए चेचन्या के खूंखार जल्लादों को तैनात कर दिया है। खार्किव, लवीव और कीव से लेकर सूमी, खेरसोन तक टैंकों में सवार होकर चेचन जल्लाद यूक्रेन को खंडहर बना रहे हैं। मारियोपोल को मटियामेट करने के लिए तो चेचन्या के खूंखार लड़ाकों का सरदार रमजान कादिरोव खुद जंग के मैदान में डटा। इस बीच पुतिन ने थोड़ी बहुत ही सही यूक्रेन पर रहमदिली दिखाई है।
रूस ने दावा किया है कि वो कीव से कुछ फौज पीछे हटा रहा है। चर्निहिव से भी रूसी फौज की तैनाती कम हो रही है। रूस के इस फैसले को यूक्रेन जहां अपनी जीत बता रहा है, वहीं अमेरिका इसके पीछे रूस की बड़ी तैयारी मान रहा है। अमेरिका के मुताबिक रूस हथियारों का जखीरा जमा करने के साथ ही सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के लिए कीव से फौज पीछे हटा रहा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।